नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज मैं आपको सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी दूंगा। सिंधु सभ्यता को हम तीन और अन्य नामों से जानते हैं। कौन कौन से? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी में होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता कहा गया और हड़प्पा नामक स्थान से इसका उत्खनन हुआ, जैसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता की खोज। सिंधु सभ्यता की खोज सर्वप्रथम क्या? सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा नामक स्थान से, भाई हड़प्पा सभ्यता और या सिंधु सभ्यता, सर्वप्रथम जो खोज है ना, वो 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा नामक स्थान के पुराने साक्ष्य होने के प्रमाणों की पुष्टि करी। सबसे पहले 1826 में कि भाई कोई प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा नामक स्थान से, तो वो किसने करी थी? 1826 में चार्ल्स मेसन ने। उसके बाद में 1856 में जेम्स विलियम, कौन थे जी? 1856 में थे जेम्स विलियम और बटनर बंधु, ये बर्टन बंधु थे। कौन थे? 1856 में, यानी 1826 ईस्वी के बाद 1856 ईस्वी में जेम्स विलियम और बर्टन बंधु ने प्राचीन सभ्यता के साक्ष्य होने के, इन्होंने भी प्राचीन सभ्यता के साक्ष्य होने के प्रमाणों की पुष्टि करी। ठीक है, इसका पता सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पता, इसका पता सर्वप्रथम 1921 में, कहाँ? 1921 में हड़प्पा नामक स्थान से चला। भाई हड़प्पा का जब उत्खनन हुआ 1921 में, तो वहां से इस सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का पता चला। अब देखो, ये जो सभ्यता है सिंधु सभ्यता, ये किसके समान थी या किसके बराबर थी या समकालीन थी? ये जो सभ्यता ही ये थी दर्जला फरात। कौन कौन सी ये सभ्यता किसके समान, यानी किसके समकालीन थी उस समय में? इसके बराबर जो दूसरी सभ्यताएं थी जो दूसरी जगह विकसित हो रही थी, वो थी क्या? दर्जला फरात और नील घाटी की सभ्यता। दर्जला फरात और नील घाटी की सभ्यता के समकालीन ये सभ्यता जो थी सिंधु सभ्यता, ये किसके समकालीन थी? दर्जला फरात और नील घाटी सभ्यता के समकालीन। ये किसके लिए मशहूर थी? भाई सिंधु सभ्यता किसके लिए मशहूर थी? तो वो थी नगर नियोजन और जल निकासी के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? एक तो नगर का नियोजन, नगर बसाने की जो यहाँ पे क्रियाएं थी वो बहुत अच्छी थी, और जल निकासी, जल का निकालना, जो जल निकासी के जिस नालियाँ थी जो शहरों में बनी होती हैं, उसके निकासी के लिए सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। अब इसके काल निर्धारण की बात करें, सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण की अगर हम बात करें, तो जॉन मार्शल जी के अनुसार जो मान्य तिथि है, वैसे तो इतिहासकारों ने काल निधि इसके जो काल निर्धारण में बहुत सारे तथ्य पेश किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मान्य तिथि सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 बीसी से 1750 बीसी मान्य तिथि है। क्या है? 3250 बीसी से 1750 बीसी मान्य तिथि है। अब विस्तार की बात करें, भैया सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ पे कैसे किस प्रकार हुआ वो भी देखो। इस सभ्यता का जो विस्तार है, इस सभ्यता का विस्तार कहाँ? पश्चिमी पुरास्थल, यानी कि इस सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल जो है, पश्चिमी जो स्थान है वो सुतकागेडोर बलूचिस्तान। इस सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल जो है, यानी कि इस सभ्यता का जो पश्चिमी भाग है वो सुतकागेडोर बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में, और पूर्वी भाग कहाँ है? पूर्वी भाग इसका आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश में।
पश्चिमी भाग पाकिस्तान हो गया बलूचिस्तान वाला, और पूर्वी भाग हो गया आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश। अब उत्तरी उत्तरी भाग की अगर बात करें तो यह है मांडा जम्मू, उत्तरी भाग है मांडा जम्मू, और दक्षिणी भाग कौन सा है, महाराष्ट्र में दैमाबाद। इसका जो विस्तार है, अब मैं बताया आपको, दक्षिणी भाग दैमाबाद महाराष्ट्र में है। एक इतिहासकार हुए हैं जो स्टुअर्ट पिगेट हैं, स्टुअर्ट पिगेट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को, इनको इतने बड़े विश्व यानी सिंधु सभ्यता को जो विस्तृत विस्तृत साम्राज्य है उसकी जुड़वा राजधानी बताया। पिगेट महोदय ने क्या बताया, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक राज्य की जुड़वा राजधानियां। अब देखो सिंधु सभ्यता के निर्माता, इस सभ्यता के जो निर्माता थे, जो इतिहासकारों को जो साक्ष्य मिले कि इसमें चार प्रजातियां थी इस सभ्यता को आगे बढ़ाने में या विकसित करने में, वो कौन थी, प्रोटो ऑस्ट्रिकलाइड कौन थी, और दूसरी थी भूमध्य सागरीय। कौन कौन सी जातियां थी इसके निर्माता ने सिंधु सभ्यता के निर्माण में, जो जिन्होंने भागीदारी दी, प्रोटो ऑस्ट्रिकलाइड और भूमध्य सागरीय। तीसरी जो जाति थी वो थी अल्पाइन, ठीक है। चौथी जाति क्या थी, मंगोलियाई बोल दो या मंगोलियाड, ठीक है। इन चारों जातियों से सिंधु सभ्यता का ये निर्माता हुए कि इस तरीके के चार प्रकार के मानव सिंधु सभ्यता में थे, ठीक है। अब सिंधु सभ्यता का जो केंद्र है, सिंधु सभ्यता के जो केंद्र थे वो थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। ये हड़प्पा सभ्यता के केंद्र थे। अब ये केंद्र के नगर थे, एक तो केंद्र के नगर और समकालीन सबसे बड़ी बस्तियां। समकालीन सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी समकालीन बस्तियां कौन सी, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो और धोलावीरा। अब बात करते हैं हम 1921 में, ये जॉन मार्शल जी के निर्देशन में, ये जो जॉन मार्शल जी हैं ये भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक, इनके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने माउंट गोमरी जिला माउंट गोमरी और नदी थी रावी, इसके तट पर इन्होंने अन्वेषण किया, यानी उत्खनन की जो प्रक्रिया है वो इन्होंने शुरू की। अब सिंधु सभ्यता का जो नाम है ना, सर्वप्रथम जॉन मार्शल जी ने ही दिया। इस सभ्यता को जो नाम मिला वो जॉन मार्शल जी ने ही सिंधु सभ्यता नाम दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भी सिंधु सभ्यता से जितने भी जो सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी जानकारी मैंने आपको दी, ठीक है। और ये सिंधु सभ्यता है, इसके बाद में हड़प्पा सभ्यता, यानी कि पहले सिंधु थी और सिंधु के ही अंदर हड़प्पा थी, ठीक है। तो भाई मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी अब वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।